हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 11 का मैथ का है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 की विविध प्रणाली को सॉल्व कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको दिया है ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई बाय 2x² + 1 और आप प्रूव दैट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर x² + 1 का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसका यह होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के लिए, इतना लाने के लिए पहले इसको सॉल्व करें, क्योंकि ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बटे 2x² + 1। ए प्लस आई बी बराबर ए धन बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर धन आई स्क्वायर धन 2xi / 2x² + 1 और ए प्लस आई बी बराबर x² - 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान देन 2xi / 2x² + 1 और 2x² + 1 कंपेयर करें। ए बराबर x² - 1 बाई 2x² + 1 रियल हो गया, यहाँ इमेजिनरी में बी बराबर 2x / आपका 2x² + 1। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर ए का मान यह रखेंगे x² - 1 बाई 2x² + 1, इसका 2x / 2x² + 1 देखिएगा, यहाँ से यहाँ पा रहा है इसका फंक्शन। इसको लिख सकते हैं लॉस ऑफ 2x² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो जाएगा x² + a - b² - 4 + 1 - 2x² - 4x² या इस x² + 1 + 4x² - 2x² या 2x² / 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। और देखिए राइट हैंड आपका साइड हो गया, यही आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। z1 = 2 - i और z2 = -2
प्लस आई तो कह रहा है मान निकालिए पावर रियल जेड वन जेड टू बाई जेड वन, दूसरा इमेजिनरी वन अपान जेड वन जेड टू, इसका मान निकालना है। तो चलिए पहले हम जेड वन इंटू जेड टू बाई जेड वन करें सोलूशन, पहला कर रहा हूँ जेड वन जेड टू बाई जेड वन, ठीक है। और इसका ये एक मिनट और देख लेने दीजिए, जेड वन जेड टू बाई जेड वन, ठीक। जेड वन आपका टू माइनस आई है, जेड टू आपका माइनस टू प्लस आई है, बाई जेड वन टू माइनस आई, इसको गुणा कर दीजिए तो माइनस चार धन टू आई, फिर से माइनस माइनस प्लस टू आई, और ये माइनस आई स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, बाई टू माइनस आई या माइनस फोर माइनस थ्री प्लस फोर आई बाई टू माइनस आई। अब इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए तो टू प्लस आई, टू प्लस आई गुणा करेंगे तो तीन दिनों छः ये हो जाएगा माइनस थ्री आई, और ये एट आई माइनस फोर और आई टू प्लस वन, आई स्क्वायर का मान माइनस वन। अब ये आपका हो जाएगा छः और चार दस और माइनस पाँच आई बटे तीन। अब इसको लिखते हैं इम्प्लाई डॉट में माइनस दस बटे तीन और माइनस पाँच आई बटे तीन, तो रियल में जेड वन जेड टू बाई जेड वन बराबर रियल मान कितना होगा माइनस दस बटे तीन आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप इमेजिनरी कर लीजिए, ठीक है, और वन अपान जेड वन जेड टू निकाल लीजिए, और जब इमेजिनरी करना होगा तो विकल्पित यह मान पाँच बटे तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है वन प्लस टू आई बाई वन माइनस थ्री आई का मापांक व कूणांक ज्ञात कीजिए, मापांक व कूणांक। तो सॉल्यूशन पर वन प्लस टू आई बाई वन माइनस थ्री आई, कंजुगेट से गुणा कीजिए वन प्लस टू आई और वन माइनस प्लस हो जाएगा थ्री आई, अब आई वन माइनस थ्री आई वन प्लस थ्री आई गुणा कीजिए तो वन इसका इसमें इसका इसमें धन इसका इसमें और द्वितीय छः आई स्क्वायर माइनस छः आई बटे वन माइनस तीन त्रिक नौ आई स्क्वायर या माइनस पाँच अधन पाँच आई बटे एक धन नौ या माइनस पाँच बटे पाँच धन पाँच आई बटे दस, ठीक है, या इसको लिखते हैं एक बटे दो अधन एक बटे दो आई।
अब यहाँ पर कंपेयर कर मापांक निकालेंगे अंडर रूट में रियल यानी 1/2 का वर्ग यानी 1/2 का वर्ग अंडर रूट में 1/4 यानी 1/4 इम्प्लाइड रेंट 2/4 इम्प्लाइड रेंट 1/2 तो मापांक किसका यह हो जाएगा। अब कोणांक निकालें कोणांक निकालेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपन यक्स तो थीटा बराबर टेन इनवर्स -1/2 तो थीटा बराबर टेन इनवर्स -1 या थीटा बराबर 135 अंश समान होगा। तो कोणांक क्या हो जाएगा मापांक क्या हो जाएगा इसके चाहे तो रेडियन दे सकते हैं 5/180। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कह रहा है 14 एक्स माइनस आई वाई और आपका 3 + 5i का गुणनफल कह रहा है -6 - 24i के संयुग्मी के बराबर है के बराबर है तो करा एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा। तो प्रश्न सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ करा एक्स माइनस आई वाई और 3 + 5i इन दोनों का गुणनफल इसका संयुग्मी -6 हो जाएगा +24i। अब गुणा कीजिए इसका इसमें तो 3x इसका इसमें 5xi इसका इसमें 3yi हाँ इसका माइनस तो 5y² - 6 धन 24i। अब यह 3x इसमें कॉमन ले लीजिए i 5x - 3y i कॉमन ये प्लस हो जाएगा 5y i² - 1 - 6 + 24i या 3x + 5y धन 5x - 3y i बराबर -6 + 24i कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे रियल का 3x + 5y और यह 5x - 3y संख्या एक हो गया संख्या 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्या करें समीकरण एक में 3 से 2 में 5 से गुणा करके जोड़ दें तो 3 से गुणा करना 3×9x - 15y - 18 इसमें 5 से तो 5 25x - 15y - 5×20 5×9 10 दोबारा जोड़ेंगे तो कट जाएगा 25×9=34x = 120 में से 18 जाएगा 2 होगा ये कितना होगा 0 102 ठीक है।
यक्स बराबर 3 × 12 = 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण एक से रखेंगे तो 3 × 3 = 9 5 y = −6 राइट हो जाएगा। तो 5 y = −15 तो y = 3, एक्स का मान 3 होगा, वाई का मान 3 होगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन होगा, यानी जो सलूशन में एक्स और वाई का मान पूछ रहा है यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का मान 3 और वाई का मान देखिएगा, वाई का मान −3 होगा, सॉरी वाई का मान −3 होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।